टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं वैक्सीन ड्राई रन पर। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 जनवरी से देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों का चुनाव करना होगा। इन्हीं शहरों में वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। इन शहरों में वैक्सीनेशन जिस तरह से होगा, ठीक वैसी ही प्रक्रिया पूरे राज्य में अपनाई जाएगी। देश में 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण का रिहर्सल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। आइए अब हम जानते हैं कि ड्राई रन क्या होता है। अब तक सरकार सिर्फ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ही वैक्सीनेट करती रही है। इसके लिए भी अलग अलग राज्यों में हफ्ते का एक दिन तय होता है। यह पहला मौका है जब देश में वयस्क आबादी को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। इस वजह से कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सरकारी मशीनरी की तैयारी देखने के लिए केंद्र सरकार ने 28 और 29 दिसंबर को ड्राई रन रखा था। यह पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में हुआ। ड्राई रन में राज्यों में कोल्ड चेन से वैक्सीनेशन साइट तक वैक्सीन लाने ले जाने की प्रक्रिया परखी जा रही है। इसी तरह वैक्सीनेशन साइट पर किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, यह भी पता लगाने की कोशिश होगी। इस ड्राई रन में कोविन ऐप पर जरूरी डेटा एंट्री होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन डिलीवरी, टेस्टिंग की रिसिप्ट और आवंटन, टीम मेंबर की नियुक्ति, वैक्सीनेशन साइट पर मॉक ड्रिल की निगरानी होगी। कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग इसमें शामिल है। वैक्सीनेशन साइट पर भीड़ के प्रबंधन के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी देखा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ड्राई रन का आयोजन कैसे होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्राई रन के लिए डिटेल चेकलिस्ट तैयार की है, जिसे अब सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि उन्हें गाइडेंस मिल सके। चुनिंदा लोकेशन पर 5 सेशन में ड्राई रन होगा। इसमें प्रत्येक साइट पर प्रत्येक सेशन में 25 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया है। हर साइट पर 5 सेशन में वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए जिला अस्पताल, CHC, PHC, शहरी स्थान, प्राइवेट हेल्थ सेंटर, ग्रामीण क्षेत्रों में यह साइट्स तय की गई हैं। ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन में शामिल बेनिफिशियरी पहले से तय है। इसके लिए कोविन ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। इसके बाद भी उनसे फोटो आईडी उपलब्ध कराने को कहा गया है। ड्राई रन के बाद अधिकारी स्टेट टास्क फोर्स को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। SDF फीडबैक लेने के बाद संबंधित अधिकारियों के लिए गाइडलाइन बनाएगा। यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। सरकार ने वैक्सीन लगाने वालों को पहले ही ट्रेनिंग दे दी है। अलग अलग कैटेगरी के वैक्सीन हैंडलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए विस्तार से ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए हैं। इनमें मेडिकल ऑफिसर, वैक्सीनेटर, अल्टरनेट वैक्सीनेटर, कोल्ड चेन हैंडलर्स, सुपरवाइजर्स, डेटा मैनेजर्स, आशा कोऑर्डिनेटर्स और अन्य शामिल हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के टीकाकरण अधिकारी, कोल्ड चेन अधिकारी, IEC अधिकारी और डेवलपमेंट पार्टनर को ट्रेनिंग दी गई है। आखिर ड्राई रन में कोल्ड चेन की क्या भूमिका होती है? वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निर्धारित तापमान में स्टोर करना होगा। देश भर में इस समय लगभग 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टोरेज के 86,000 इक्विपमेंट शामिल हैं। इससे ही कोल्ड चेन सिस्टम बनेगा। मौजूदा टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल कोल्ड चेन सिस्टम में ही कोविड-19 वैक्सीन स्टोर होगी, ताकि पहले 3 करोड़ लोगों के प्रायोरिटी ग्रुप को वैक्सीनेट किया जा सके। इनमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं।
यह ड्राई रन बिना COVID-19 वैक्सीन के हो रहा है। इसे वैक्सीनेशन से पहले की पूर्व तैयारी समझा जाना चाहिए। इसी के साथ ही आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।